आज हम बातचीत करेंगे भारत की इकॉनमी के हवाले से भारत आलमोस्ट दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी हुआ चाहता है चौथी और पाँचवीं के बीच में रहता है स्टॉक मार्केट में उसने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया और अब चौथे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मंडी है ये बहुत बड़ी खबरें हैं इस हवाले से हरदीप सिंह पुरी भारत के मिनिस्टर क्या कहते हैं पहले उनकी बातचीत सुनिए फिर मैं बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ जो इंडिया के बारे इंटरेस्ट है उससे इन्वेस्टमेंट भी होगी कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स भी होंगे पांच अट्ठाईस तक रुकने की जरूरत नहीं है ये 2024 के 25 के अंदर ही हो जाएगा ग्लोबल इंटरेस्ट इन इंडिया इज इंक्रीजिंग बाय द डे वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनमी चार ट्रिलियन डॉलर में वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट मैं अभी डायवर्स से आया हूं पांच दिन था डायवोर्स में जो इंडिया के बारे इंटरेस्ट है उससे इन्वेस्टमेंट भी होगी कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट्स भी होंगे जनरल ऑल अराउंड डेवलपमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग मुझे लगता है कि आने वाले एक दो साल में अंदर वी विल नॉट ओनली बी द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पर उसके आगे भी बढ़ेंगे सो so अभी हमारा चार ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है आप मैं कहीं था किसी ने बोला 2028 तक ये आ, पांच ट्रिलियन हो जाएगा तो मैंने स्टेटमेंट इन्हें पांच अट्ठाईस तक रुकने की जरूरत नहीं है ये 2024 के 25 के अंदर ही हो जाएगा और उसके बाद डबलिंग टेन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय 2030 उससे क्या होगा कि आपका पर कैपिटंक भी बढ़ेगा ग्लोबल इंटरेस्ट इन इंडिया इज इंक्रीजिंग बाय द डे वो आपके डिजिटल जो आपकी इंटरेस्ट uh, है आपकी ऑटोमोबाइल मार्केट शूट अप कर रही है आपकी एनर्जी कंजम्पशन शूट अप कर रही है बायोफ्यूल्स में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कोई भी आप सेक्टर ले लें सो इट इज लुकिंग वेरी गुड तो आपने बात बातचीत सुनी मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी की उन्होंने बताया कि जब वो अभी एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौका पे स्विट्जरलैंड में थे तो किसी ने कहा कि आप तो 2028 तक आ, चार से पाँच ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो जाएंगे उन्होंने कहा इतना भी इंतज़ार ना करें ये 2024-2025 में ही हो जाएगा तो ये है इस वक्त भारत की प्रोजेक्शंस और जिस तरह इकॉनमी आगे जा रही है ये कोई छोटी बात नहीं भारत के हवाले से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही पिछले दिनों कहा गया कि भारत ने अनएक्सपेक्टेड जितनी तरक्की डूरिंग द पास दस सालों में की है वो एक तरह से दुनिया के लिए मॉडल है दुनिया उसको रश की निगाह से देखती है चलिए दुनिया की बात तो अपनी जगह पे है ही है जो भारत के साथ बराबर वाला देश पाकिस्तान है जो पाकिस्तान भारत के साथ मुकाबला करते करते ऊंधा लेट गया जिसका बुरा हाल है हर चीज़ में कंपैरिजन करते करते जिसका इतना बुरा हाल है कि वो बेचारा इसी गम में मारा जा रहा था कि हम भारत से आगे हैं असले में भी हर चीज़ में और आज भी उनको यही ख्याल रहता है कि हम आगे शायद निकल जाएंगे लेकिन रियलिटी क्या है ग्राउंड पे इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौका पर डाइवस में जब दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर इकट्ठे हुए तो वहाँ पर पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट भी सैयद इमरान शफक़त वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी एक दर्द मंदाना व्लाग बनाया और उस व्लाग के मैं कुछ टुकड़े आपके साथ शेयर करता हूँ उनकी कर्टसी के साथ तो सैयद इमरान शफकत के व्लाग में से एक जो छोटा सा क्लिप है मैं उनकी कर्टसी के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ दे आर नो बेटर प्लेस टू इन इंडिया ने Shaping global excellence. Engage, experience, invest. अच्छा यहाँ पे इंडिया की टाटा बड़ी मुख्तलफ़ कंपनीज उनका तमिलनाडु तेलंगाना स्टेट्स जो हैं उनके यहाँ पे पविलियंस हैं मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगा पाकिस्तान का एक भी नहीं है थे, मैंने घूम फिर के देखा है बेसिकली ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेला सा आप कह लेंगे लगा हुआ यहाँ पे दुनिया की मुख्तलिफ़ कौमें जो हैं वो रियासतें वो अपने अपने विलियंस स्टॉल लगाती हैं बनाती हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट करती हैं एक दूसरे से को इंगेज करती हैं कंपनीज रियातें कंपनीज पाकिस्तान एक भी नहीं आ रहे थे एक भी नहीं बहुत तकलीफ बहुत तकलीफ बात है आपको यहाँ पे चलते फिरते इंडियंस हिसाब नजर आएंगे तो लाहौर के हमारे साथी जर्नलिस्ट सैयद इमरान शफकत बड़े दुख से कहते हैं कि मैंने इस पूरे मेले में घूम के देख लिया और वो पंजाबी में कहते हैं कि पाकिस्तान का एक भी कोई निशान नहीं है तो वो बेचारे बड़े दर्दमंदी के साथ रियलिटी बताते हैं आ, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं लेकिन वो ये सूरत हाल बताते हैं कि कितना बुरा हाल है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पे उनका एक निशान भी नहीं है और जबकि भारत हर जगह छाया हुआ है ये बात ये अल्फाज उनके हैं मेरे नहीं तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि अब पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए भी भारत रश की एक सतह पर आ चुका है वैसे तो रश की एक सतह पर हमेशा से रहा है लेकिन कभी एहसास नहीं रहा इस एहसास ना होने की वजह से ही पाकिस्तान का ये हाल हुआ है जो हाल है लेकिन भारत इन सब चीज़ों से बेनियाज होकर आगे बढ़ता रहा आगे बढ़ा है और भी आगे बढ़ेगा इसमें कोई शक वाली बात नहीं बड़ी खबर आ गई सिर्फ इकॉनमी के साइज की बात नहीं बड़ी खबर आ गई हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज से भी भारत आगे निकल गया अब हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के लिए दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए एक माइलस्टोन स्टॉक एक्सचेंज रहा है आज भी है लेकिन भारत ने उससे भी एक कदम आगे बढ़ा दिए हैं और इस सिलसिला में मिस्टर पाठक क्या कहते हैं इनकी बात सुनिए मोर इंपॉर्टेंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मोमेंटम ऑन कॉपोरेट प्रॉफिट इंडियन कंपनीज एंड फिक्की कंपनी गुड प्लेस स्टॉक मार्केट्स विल गो अपन मोर इंपॉर्टेंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मोमेंटम ऑन कॉपोरेट प्रॉफिट एज वी नो मार्केट कैपिटलाइजेशन डिपेंड्स ऑन ए दी प्रोफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज वॉट इज दी प्राइस अर्निंग रेशियो दटेड ग्रोथ ऑफ दैट कंपनी ऑन बोथ द करेंट प्रोफिटेबिलिटी एंड द एक्सपेक्टेड ग्रोथ इंडियन कंपनीज एंडी कंपनी गुड प्लेस स्पेशली बिकॉज नॉट ओनली डॉलर मानी बट अ लॉट ऑफ रूपी मानी आवर ओन भारत की मनी इज गोइंग इन टू स्टॉक मार्केट मिस्टर पाठक की तरह ही जो इकॉनमी के एक्सपर्ट्स हैं और ख़ासतौर पर स्टॉक एक्सचेंज के मामलों के एक्सपर्ट्स हैं हम उनके भी कुछ सैंपल वीडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर करते हैं इस सिलसिला में मैं धरंद्रा जी का एक आ, वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ भारत का स्टडी राइज और एक ऐसा राइज जो कि ये दुनिया में एक आइलैंड हो गया है जहाँ पे अभी भी ग्रोथ दे, देखा जा रहा है बाकी सब जगह लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या बहुत ही नॉमिनल ग्रोथ हो रहा है और जो तीन चार साल से कोविड के बाद से जो चाइना का डिक्लाइन है और चूँकि हॉन्गकॉन्ग में बहुत सारी चाइनी चाइनीज कंपनियाँ वहाँ पर लिस्टेड है तो उसका स्टडी डिक्लाइन और भारत का स्टडी राइज और भारत में भी बहुत पोटेंशियल तो स्टॉक एक्सचेंज के एक्सपर्ट्स भी रैशनली बता रहे हैं कि कैसे भारत आगे जा रहा है चाइना भी एक बहुत बड़ी इकॉनमी अभी भी दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है और शायद रहेगी एक लंबे समय तक और चाइना भी एक मेहनती देश है उनके साथ डिसएग्रीमेंट के बावजूद और लेकिन चाइना की इकॉनमी कुछ सुकड़ रही है जितनी बड़ी इकॉनमी होगी अगर वो फैलेगी तो ज़्यादा बड़े नंबर्स के साथ फैलेगी अगर वो सुकड़ेगी तो ज़्यादा बुरी तरह सुकड़ेगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स हैं जो जितना बड़ा काम होगा उतना ही बड़ा रिजल्ट होगा और उतना ही बड़ा धचका लगेगा तो इस सिलसिला में एक और स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट नीरव जी क्या कहते हैं जरा उनकी बात भी सुनिए अभी साल की अगर हम लोग जन्नी देखें तो हमारे इकोनॉम ने काफ़ी बड़ा एक स्ट्राइड लिया है और काफी अच्छी खासी एक पढ़ा था हमने देखी है हमारी जीडीपी में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है और पर्टिकुलरली अगर लास्ट दस साल की बात करें 2014 से लेकर के 2024 तक का जो ये पीरियड रहा है एक दशक रहा है इसमें जिस हिसाब से इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन हुआ जो रिफॉर्म प्रोसेस हुआ और जो पीएलआई स्कीम वगैरह आई जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग को इतना थ्रस्ट मिला है और इन सब से कारण जो है अपनी जी काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही है तो आपने बात बातचीत सुनी नीरव जी की नीरव जी ने भी वही बातें की जो दूसरे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं भारत की तरक्की चाहे वो इकनॉमिक लेवल पे हो चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो चाहे वर्ल्ड स्टेज पे हो चाहे टेक्नोलॉजी पे हो अब पूरी दुनिया को दिख रही है वही मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जिसका मैंने अभी पीछे जिक्र किया जब चीज़ें बढ़ती हैं तो मल्टीप्लाई होते हुए अपना इफ़ेक्ट दिखाती हैं और वो दिखा रही हैं इसीलिए पीछे जो मैंने सैयद इमरान शफकत का एक वीडियो क्लिप शेयर किया था कि वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं वो वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गए हुए थे तो उन्होंने जब स्विट्ज़रलैंड में भारत को हर जगह छाया देखा तो उनको अपने पाकिस्तान के हवाले से एहसास हुआ कि हम क्या कहते चले आए हैं क्या बोलते चले आए हैं और क्या रिज़ल्ट निकला है इसी सिलसिल में मैं एक और वीडियो क्लिप उनके ही व्लॉग से उनकी कर्टसी के साथ पेश करना चाहता हूँ देखिए और सुनिए इंडिया बिजनेस हब क्रेडिबल इंडिया ठीक है मजा आया झंडा नजर आ रहा है एम्पावरिंग वूमेन यूनिटी प्रोस्पेरिटी नहीं मेरा ख़्या है हम ये सफ़र ना यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं एंड पे ना सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि यार ये जो पाकिस्तान की रूलिंग लीड है वो थोड़ा सा रहम करे इस पाकिस्तान के ऊपर अपने मसले हल करें पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर मैटर ही नहीं कर रहा ये जो छोटा सा एक सफ़र था इसमें आपने देख लिया पाकिस्तान की हैसियत और पाकिस्तान की औकात क्या है वो जिनको खे, जिनके नाम के ऊपर हमने सब कुछ अभी तक किया है पाकिस्तान के अंदर इंडिया वो काम पहुंच चुका <laughs> तो हमारे लाहौर के ये जर्नलिस्ट साथी बड़े दुख से कहते हैं वो ये कहते हैं कि आलमी सतह पर पाकिस्तान मैटर ही नहीं करता वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में जितना बिगाड़ पैदा किया वो भारत के खिलाफ नेरेटिव बनाने में किया और वो कहते हैं कि जिसके ख़िलाफ़ हमने सब कुछ किया वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे छाया हुआ है और पाकिस्तान कहीं पे नज़र ही नहीं आता तो ये एक सबक है उन सब देशों के लिए सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं ये सबक नॉर्थ कोरिया के लिए भी है जो साउथ कोरिया की बगल में बैठा हुआ है जिस तरह की पॉलिसियाँ हैं लोग तो एक जैसे ही, ही हैं नॉर्थ कोरिया के भी और साउथ कोरिया के भी साउथ कोरिया कहाँ निकल गया नॉर्थ कोरिया अपने माइंडसेट और अपनी पॉलिसियों की वजह से गुरबत की गहराइयों में गिरा हुआ है और उसके जो लोग हैं बेचारे वो सुना है वो भूखों मर रहे हैं अब यही हाल पाकिस्तान और भारत का है एक जैसे लोग हैं एक जैसा कल्चर है मगर पाकिस्तान के लोगों ने अपने कल्चर को ही नहीं माना अपनी शनाख्त को ही नहीं माना तो वो जो हशर है वो ये हमारे लाहौर के साथी जर्नलिस्ट सैयद इमरान शफकत देख रहे हैं और बता रहे हैं ईमानदारी से बता रहे हैं खुदा करे कि इनकी ये ईमानदारी हमेशा कायम रहे मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में जर्नलिस्टों को ईमानदारी पे पहरा देने में भी कितनी मुश्किल है बहरहाल ये तो अपनी जगह पे। अब आखिर में मैं एलॉन मस्क की बात करते हुए उनका एक रीसेंट ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी मोस्ट पॉपुलस मोस्ट स्किल्ड कंट्री वो ये दुख से कहते हैं स्टिल लैक्स अ सीट एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यून की ट्वीट है उन्होंने एक ट्वीट को रिप्लाई करते हुए कहा कि ये कितने अफसोस की बात है कि दुनिया की इतनी बड़ी इकॉनमी स्किल्ड लोगों का ये देश और ये आज तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ही इसको नहीं मिली हुई तो ये एलॉन मस्क जैसे जो बहुत ही बड़े दुनिया के बिजनेसमैन मैन हैं वो ये कह रहे हैं अच्छा ये सिर्फ एलॉन मस्क का मामला नहीं है ये यूके, फ्रांस यूएई के देश ऑफिशियली यूएनओ पे प्रेस कर रहे हैं जयशंकर जी ने एक बार कहा था और बिल्कुल ठीक कहा था कि बदकिस्मती से ये जो यू एन यूज टू बी मोर रेलिवेंट इन नाइनटीन फिफ्टीज बहरहाल यू के फ्रांस यू ए सारे कह रहे हैं यू एन ओ पे दबाव डाल रहे हैं कि भाई होना चाहिए भारत को भी यू एन एस सी का मेम्बर अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने एक मैसेज में कहा था कि बड़े दुख की बात है कि अफ्रीका यू एन एस सी का मेम्बर नहीं है बिल्कुल वो ठीक कहा अफ्रीका को भी होना चाहिए और भारत को भी होना चाहिए वन पॉइंट फोर प्लस बिलियन लोगों का देश इकॉनमी कहाँ पर पहुँच गई दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी ऑलरेडी है तीसरी बनने के रास्ते में और तीसरी का सिर्फ सवाल नहीं है वो डबल डिजिट में आएगी यानी फाइव से टेन ट्रिलियन डॉलर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन नेक्स्ट फाइव इयर्स में वो आ जाएंगे और उससे सबका जो है जी डी पी पर कैपिटा भी देश का भी जी डी पी सब बढ़ेगा सब भला होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो ऑलरेडी पच्चीस साल का टारगेट रखा हुआ है भारत को डिवेल्पिंग नेशन से डिवेल्प नेशन लाने के लिए तो ये है भारत का सफ़र और एक ही कल्चर के लोग जो साथ बैठे हुए हैं वो बेचारे मखमस में हैं इसी परेशानी में हैं इसी उलझन में हैं कि तो भाई हम कहाँ रह गए और भारत कहाँ चला गया एलॉन मस्क जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि भारत का ना होना यूएन बॉडीज़ में उस लेवल पे परमानेंट सीट का ना मिलना ये फेयर नहीं है तो दुनिया तो इस लेवल पे भारत के हवाले से सोच रही है क्योंकि भारत ने ख़ुद तरक्की की है ख़ुद काम किया है इसकी सारी मुबारकबाद जो है वो भारतीयों को है subscribe tag tv youtube channel and press the notification button